हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मधुर दिल से। आई एम योर हेल्थ केयर फ्रेंड एंड माय नेम दशरथा। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों के पेट में कीड़े के बारे में। देखिए, बहुत ही कॉमन समस्या है ये। एक्चुअली इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ आपको, आपके साथ, कि किस तरीके से मैंने डिटेक्ट किया कि मेरे बच्चे के पेट में कीड़े हैं, क्या कुछ मैंने किया, क्या कुछ लक्षण मैंने देखे अपने बच्चे में जिससे मुझे पता लगा कि मेरे बच्चे के पेट में कीड़े हैं, और कुछ चीज़ें, कुछ उसके बारे में लक्षण पता करेंगे कि क्या कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्या कुछ इसका उपचार होना चाहिए इसको ठीक करने के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, बच्चों के पेट में जो कीड़े होते हैं बहुत ही आम समस्या है, बहुत ही आम। जब मेरी फर्स्ट जो मेरी बेटी है उसके केस में ऐसा कुछ मैंने अभी तक नहीं देखा, वो अब 11 साल की है, लेकिन मेरी जो छोटी गुड़िया है उसके पेट में मुझे कीड़े नज़र आए, कि ऐसे कुछ लक्षण मैंने देखे जिससे मुझे पता लगा कि बच्चे के पेट में कीड़े हैं। देखिए, हमें इस तरीके से लगता है कि नहीं, ये मेरे बच्चे को तो नहीं होगा, मैं तो बहुत हाइजीन मेंटेन करती हूँ। ऐसा मेरे साथ भी था, मैं बहुत ज़्यादा जो है हाइजीन मेंटेन करती हूँ। बार बार अपने के बच्चे को बोलती हूँ जब भी वो बाहर से आता है कि अपने हैंड वॉश कीजिए। इस तरीके से कुछ जो रूल्स हैं हमने वो मेंटेन कर रखे हैं, एक हाइजीन लाइफस्टाइल, एक हाइजीन मेंटेन करने के लिए। तो ये कुछ मैं भी करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे बच्चे के पेट में कीड़े हैं। इसके कुछ बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। देखिए, जो पेट में कीड़े होते हैं बच्चे के, ये बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। जो सबसे जो कॉमन पेट में कीड़ा जो होता है वो होता है पिन वॉर्म, जिसे हम थ्रेड वॉर्म बोलते हैं। ये जो थ्रेड वॉर्म होता है ये वाइट कलर का होता है, बहुत ही छोटा है, जैसे स्टेपलर की पिन होती है उतने आकार का होता है। थ्रेड जो होता है मोटा धागा उतना वैसा होता है। आपको पता नहीं लगेगा कि ये जो है कीड़ा हो सकता है। अगर आपको कहीं इस तरीके का कुछ डिटेक्ट होता है आपके बच्चे के आसपास, तो आप समझ लीजिए आपके बच्चे के पेट में कीड़े हैं, क्योंकि ये जो होता है ये कीड़े बाहर भी आते हैं। आपके बच्चे के जो नैपी है, निकर है, उसके अंदर हो सकते हैं, चद्दर के ऊपर हो सकते हैं। तो इस तरह से ये कीड़े आपको मिल सकते हैं। बिल्कुल आप इस पर शक ही नहीं कर सकते कि ये कीड़े हैं। और भी तरह के, ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन जो पाए जाते हैं, ज़्यादातर मोस्टली इंडिया में जो बच्चे होते हैं उनके जो पेट होता है उसमें इसी तरीके के कीड़े मिलते हैं। बाकी और भी तरह के कीड़े होते हैं, जैसे आपका विप वर्म हो गया, राउंड वर्म हो गया, हुक वर्म हो गया, तो इस तरीके के कीड़े भी होते हैं। ये भी बच्चों के पेट में पाए जाते हैं, लेकिन बहुत ही कम। जो कॉमन है मैंने आपको बता दिया, जिसको पिन वर्म, थ्रेड वर्म बोलते हैं। अब ये जो थ्रेड वर्म होते हैं ये क्यों हो जाते हैं, बच्चों के पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं? देखिए, बहुत ही कॉमन इसका जो रीजंस रहते हैं, जैसे कि आप समझ लीजिए बच्चों ने जैसे हैंड वॉश नहीं किए, बच्चों के हाथ में बाहर से जो वॉर्म है वो लग गया है और बच्चों ने इसको मुंह में ले लिया है, तो बच्चे के पेट में कीड़े हो जाते हैं। समझ लीजिए बच्चा जो है दूषित मिट्टी में खेल रहा है, डर्टी मिट्टी में खेल रहा है, उसमें अगर कीड़े हैं और वो बच्चे ने मुंह में डाल लिए तो बच्चे के पेट में कीड़े हो जाते हैं। बच्चा नंगे पैर चल रहा है तो वो स्किन से निकल कर बच्चे के पेट में चले जाते हैं। अगर जो सब्जियां जो आपकी ज़मीन में उगती हैं, अगर वो जो सब्जियां हैं हम बच्चों ने इसी ऐसे ही खा ली, वॉश करके ना खाई, तो बच्चों के पेट में वो कीड़े चले जाते हैं। अगर समझ लीजिए कि आप कोई सब्जी लेके आई है, आपने अच्छे से वॉश नहीं किया, उसमें जो वो मिट्टी में जो वो उगती है जो सब्जी, वो आप लेके आए हैं और आपने वॉश नहीं किया और आपने इस बच्चे को ऐसे ही दे दिए, तो या वॉश सही से नहीं हुआ, तो बच्चे के पेट में कीड़े हो जाते हैं अगर उससे बच्चा खा लेता है। और अगर आपने उस सब्जी को कुक कर लिया लेकिन वो अच्छे से जो वॉर्म है यानी कि जो सब्जी है अच्छे से नहीं पकी है, तो भी बच्चे के पेट में अगर वो खा लेता है तो कीड़े हो जाते हैं। बहुत ही कॉमन, इसके कॉमन रीजंस की वजह से बच्चे के पेट में कीड़े हो सकते हैं। अब हम इसके लक्षण की बात कर लेते हैं। देखिए, जो लक्षण होते हैं बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, ट्रस्ट मी, मैं कभी नहीं सोच सकती थी। अब मैं, क्योंकि मुझे पता लग गया है कि मेरे बच्चे के पेट में कीड़े हैं, तो मैंने इसके बारे में रिसर्च करी, बहुत चीज़ें जाने कि क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, साथ साथ अपना जो एक्सपीरियंस है वो भी आपसे शेयर करने वाली हूँ। देखिए, जिसके लक्षण होते हैं वो होता है जैसे हल्का बच्चों के पेट में दर्द है,
ऐसा जो मेरी छोटी बेटी है उसका भी ऐसा शिकायत थी। मुझे लगता था कि ये जो है मोशन पास करने वाली है, लेकिन उसको मोशन नहीं आता था। तो ये एक रीज़न मुझे लगा कि वाकई में ही ये जो है रीज़न हो सकता है कि बच्चे के पेट में कीड़े हैं। अगर आपको भी लगता है कि आपका बच्चा पेट में दर्द की शिकायत करता है लेकिन वो मोशन पास नहीं करता, तो आप ज़रूर डॉक्टर के पास जाइए और चेक करवाइए। दूसरा ये होता है रात में दांत का किटकिटाना। मैंने बहुत बार रात में कई बार उठती थी और मुझे आवाज़ आती थी दांत के किटकिटाने की, और मैं उसका मुंह खोल देती थी कि अपना जो मुंह है वो खोलो। मुझे तब ये नहीं पता था कि ये जो मतलब जो चीज़ ये कर रही है ये उससे रिलेट हो सकता है। जब मैंने ये पढ़ा तो मैं इसको एक दूसरे से रिलेट कर पा रही हूँ इसको। तो दूसरा रीज़न है दांत का किटकिटाना। तीसरा ये है कि कॉन्स्टिपेशन हो जाना। कुछ दिनों से जो मेरी छोटी बेटी है उसको कॉन्स्टिपेशन हो रहा था, तो मुझे ये एक रीज़न बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है। अगर आप भी इस तरीके के लक्षण देख रहे हैं तो ज़रूर अपने डॉक्टर से मिलिए, आपके बच्चे के पेट में कीड़े हो सकते हैं। एक लक्षण ये भी है कि बच्चा जो मेरी डॉटर है वो क्या होती थी, कुछ खाती थी तो उसको वॉमिट जैसा फील होता था और तुरंत वो उसको खाना अटकता था और वो वॉमिट करने के लिए जाती थी। तो ये भी एक रीज़न है, इससे भी लगता है कि बच्चे के पेट पे कीड़े हैं। भूख का ना लगना ये भी एक रीज़न है, लेकिन ऐसा मेरी केस में नहीं था। मेरी जो डॉटर है उसको भूख ठीक ठाक लगती थी, वो अपने जो एज के अकॉर्डिंग वो खा लेती थी। तो ये है, ये आपके केस में हो सकता है कि बच्चे को भूख नहीं लग रही, तो ये होता है। तो नेक्स्ट मैं रीज़न बताने वाली हूँ, अगर आपको भी वो शिकायत है तो आप प्लीज़ इस ये रिलेट कर सकते हैं कि बच्चे के पेट में कीड़े हैं। देखिए, जो मेरी डॉटर है वो जब वो रात को सोती थी तो आधी रात को वो उठ जाती थी और ये शिकायत करती थी कि उसको ईचिंग हो रही है, जहाँ से पोटी पास होती है, जहाँ से बच्चा यूरिन पास करता है उस साइड से उसको उसमें उसको बहुत ज़्यादा ईचिंग होती थी। और मुझे लगता था कि जैसे बच्चा पूरे टाइम वॉशरूम करता है, हाइजीन मेंटेन नहीं हो पाता, तो उसको क्लीन करने की ज़रूरत है। तो मैं उसको वॉश करवा देती थी और वो कीड़े वहाँ से हट जाते थे, उसको जो खुजली है, जो ईचिंग है, वो हट जाती थी। ऐसे बहुत बारी हुआ, समझ लीजिए महीना भर ऐसा हुआ बीच बीच में। ऐसा नहीं कि डेली होता था, अगर डेली होता तो मैं ज़रूर उसको डॉक्टर को दिखाती, लेकिन जैसे 5-6 दिन में एक बारी हुआ, फिर 5-6 दिन में एक बारी, तो इस तरीके से बीच बीच में होता था, जिससे कि मुझे रीज़न नहीं पता लग पा रहा था कि ये किस वजह से हो रहा है। लेकिन कुछ समय पहले ही जब वो बीच में उठी तो मैंने उसको जो उसने खुजली की शिकायत करी, मैंने अच्छे से वॉश करवा दिया। लेकिन वॉश करने के बाद की भी वो बहुत ज़्यादा ईचिंग का बोल रही थी, ऐसे ऐसे कर रही थी, हाथ लगा रही थी बच्चा। तो मैंने अच्छे से जब पोटी वाली जगह देखी तो मुझे एक वाइट सा बिल्कुल थ्रेड जैसा, जैसे मैंने बताया उसका वाइट कलर का होता है और डबल थ्रेड जैसे थोड़ा मोटा, हल्का सा मोटा होता है बिल्कुल थ्रेड की तरह, तो वो वाइट कलर का था। मैंने हाथ से उसको इस तरीके से अपने हाथ पे लिया तो वो मैंने टेढ़ा सा था, वो सीधा हो गया। तो मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है, तो वो मैंने जब ध्यान से देखा कि मुझे वो कीड़ा जो होता है उस वो लगा, जैसे हम छोटे छोटे कीड़े कहीं पनपते हुए देखते ना वाइट कलर के, उस तरीके से वो लगा, बिल्कुल थ्रेड जैसा कीड़ा लग ही नहीं रहा था वो। तो ये इस तरीके का, इस चीज़ से मुझे पता लगा कि मेरे बच्चे के पेट में कीड़े हैं। और वो उसी टाइम मैंने बहुत सारी रिसर्च करना स्टार्ट किया, बहुत सारी वीडियोस देखी, ये सब चीज़ें करी, उससे मुझे पता लगा कि ये कीड़ा ही है। नेक्स्ट डे जो है मैं डॉक्टर के पास गई, वहाँ से मैंने जो सिरप आते हैं बच्चे के पीने के लिए वो मैंने दिए 2 दिन कंटिन्यूसली, उससे मुझे जो बच्चे के पेट में है, मेरी बेटी के पेट के कीड़े मर गए। तो वो एक चीज़ थी। आपके बच्चे के पेट में अगर इन कोई लक्षण आप देखते हैं, अगर आप पाते हैं कि बच्चे के पेट में कीड़े हैं, तो प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। आप एक और चीज़ से पहचान सकते हैं जो कि मैंने पढ़ा है, कि जब बच्चा रात को सो रहा हो तो अंधेरे में टॉर्च की सहायता से आप जहाँ से बच्चा पोटी करता है वहाँ पर देखिए, अगर आपको वाइट वाइट कुछ नज़र आता है, एक आधी चीज़, ये अगर ज़्यादा मात्रा में होंगे तो ज़्यादा नज़र आएंगे वो, अगर ऐसा कुछ दिखता है तो समझ लीजिए बच्चे के पेट में कीड़े हैं। तो आप उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा ये चीज़ गंभीर भी हो सकती है,
देखिए इससे क्या इफेक्ट्स बच्चे पे पड़ते हैं, देखिए एक तो भूख नहीं लगती, अमीनिया हो जाता है, आयरन की कमी हो जाती है, बच्चा जो है बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, और सीवियर केस में आंतों से जो है रक्त बह सकता है, माइंड पर असर पड़ सकता है, बच्चा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाएगा, बच्चे का वज़न कम हो जाता है, वीकनेस बहुत हो जाती है, बच्चा एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो बहुत बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ पर फ़र्क पड़ता है। तो प्लीज़ इसको ज़रूर ध्यान दीजिए। और वैसे भी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पर, सॉरी गवर्नमेंट जो स्कूल्स होते हैं वहाँ पर ये जो गोली है वह छोटे बच्चों को दी जाती है जो कि 2 साल से ऊपर के होते हैं। 2 साल से नीचे के बच्चों को देखिए ये एडवाइजेबल नहीं होता कीड़े की दवाई देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। वैसे शायद 1 साल उसका है, तो आप देख लीजिएगा क्या इसका क्राइटेरिया रहता है, तो वो एक चीज़ रहती है। प्लस अगर आप इस तरीके से कुछ देखते हैं तो डॉक्टर उसको निरीक्षण करते हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बच्चा पोटी जो डॉक्टर है पोटी वाली जगह देख सकता है, एक जो स्टिकिंग टेप आती है वो लगाकर देख सकती है नर्स कि बच्चे को कीड़े हैं या नहीं, या रुई लेकर उस पोटी वाली जगह पर हल्की से अंदर डाल के निकाल सकती है जिससे पता लगे कि बच्चे को कीड़े हैं या नहीं, अल्ट्रासाउंड से भी पता लग जाएगा कि बच्चे के पेट में कीड़े हैं नहीं, तो इन चीज़ों से पता लगा सकते हैं। बाकी मैंने उपचार के बारे में बताया, मैंने जो है डॉक्टर से कंसल्ट किया था, उन्होंने जो कंटिन्यूसली जो सिरप्स होते हैं छोटे छोटे इस तरीके से जो एक बॉटल्स आती हैं छोटी छोटी वो पिलाने के लिए बोला था, तो वो मैंने कंटिन्यूसली पिलाई थी। उनको पीने का तरीका होता है, आप समझ लीजिए अगर आप देना चाह रहे हैं खाना खाने के बाद रात को, तो उसके आधे घंटे बाद दीजिए, और आधे घंटे बाद भी आपको पहले कुछ मीठा देना है, यानी कि आपने गुड़ दे दिया या कोई भी चीज़ जो बच्चे को पसंद है वो दे दी, उसके 15 मिनट बाद आपने वो जो ये जो आपके सिरप है जो बॉटल छोटी सी बॉटल में आता है वो आप दे सकते हैं। नाम मैं इसमें डिस्क्लोज नहीं करूँगी क्योंकि ऐसे मेडिसिन हम जो है एडवाइस किसी को नहीं करते, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए ताकि वो आपको प्रिस्क्राइब कर सके कुछ मेडिसिन, और वो बच्चे को उनकी सुपरविज़न के अंदर दीजिए, वो आपको डोज भी निर्धारित करेंगे कि इतनी डोज में बच्चे को जो ये सिरप है ये देना है ताकि बच्चे के पेट के कीड़े मर सके, और कब इसको दोबारा रिपीट करना है। तो ये कुछ जानकारी मैं आपसे शेयर करना चाहती थी, और अपना जो एक्सपीरियंस है ओवरऑल वो शेयर करना चाहती थी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अगर हो सके तो और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स और रिलेटिव तक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस तरीके से मदर से रिलेटेड, प्रेग्नेंट लेडी से रिलेटेड और प्लस बेबी से रिलेटेड वीडियोज़ मैं लेके आती रहती हूँ। तो चलिए हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, नमस्कार।